छतरपुर की छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि छतरपुर की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद पहले भी दिया था और अब भी इस बार जनता दोबारा से मुझे ही आशीर्वाद प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की भोली भाली जनता को हमेशा ही लूटने का काम किया है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है। छतरपुर विधानसभा के मेरे परिवारजनों का ये प्यार है, ये मुझे आशीर्वाद है और ये 5 साल की सेवा का पुरस्कार है कि आपने देखा कि नामांकन की सूचना देने के बाद जो हमारे क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर आए और किस उत्साह के साथ और किस ताकत और हिम्मत के साथ मुझे हौसला दिया। मैं उन सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सब मेरे परिवारजन चुनाव अब ये लड़ने जा रहे हैं, मैं इनका साथ देने जाऊँ, साथ भर दूंगा। चुनाव मेरे सारे कार्यकर्ता और मेरे सब परिवारजन लड़ेंगे। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने आलोक चतुर्वेदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे कल बोला कि भी आपको छतरपुर के अंदर उनका नॉमिनेशन भरेंगे, उनके साथ रहना है, क्योंकि पीछे मुझे भी यहाँ पे आने का मौका पिछले 6 महीने से मिल रहा है। जिस प्रकार से जन आक्रोश यात्रा के अंदर छतरपुर की अपार जनसमूह ने उस यात्रा का समर्थन करा था आलोक चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो पिछले 18 साल से सरकार शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में चल रही है।